हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर एक नया एक्सप्रेशन पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं मुलाकात का समय मांगने के संबंध में। ओके, जब हम किसी के पास जाते हैं या हम चाहते हैं कि कोई हमें समय दे, तो उस समय दैट टाइम हम कौन से एक्सप्रेशन यूज करते हैं, आज मैं वो आपको बताने जा रहा हूं। करेक्ट, मुलाकात का समय मांगने के संबंध में। ओके, राइट, मुलाकात का समय मांगने के संबंध में, जब हम चाहते हैं सामने वाला हमें टाइम दे और हम उससे कुछ बात कर सकें या हम किसी मैटर पे उससे डिस्कस कर सकें, और अगर सामने वाला एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है या स्टार है या सीनियर है, तो हम उससे कैसे समय मांगते हैं। राइट, मींस हाउ वी डिमांड टाइम और आस्क फॉर टाइम टू दैट पर्सन बाय होम वी वॉन्ट टू टॉक। करेक्ट, इसमें अलग अलग एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पहला एक्सप्रेशन बताता हूं। एक्सप्रेशन नंबर वन, Are you free this evening? Are you free this evening? आज शाम को आप फुर्सत में हैं? यानी कि हम सामने वाले से पूछ रहे हैं, आज शाम को आप फुर्सत में हैं? करेक्ट। एक्सप्रेशन नंबर टू, Are you free tomorrow? क्या आप कल फुर्सत में हैं? और next week, Are you free tomorrow? या एक और expression, Are you free next week? Correct? Expression number three. Would it be convenient at 4? Would it be convenient at 4? इसकी हिंदी क्या होगी? क्या 4 बजे का समय आपको अनुकूल होगा? या क्या 4 बजे का समय means मिलने का आपके लिए सुविधाजनक होगा? तो हम क्या बोलते हैं? वुड इट बी कन्वीनियंट एट 4। नेक्स्ट एक्सप्रेशन, Up to what time will you be at home? आप कितने बजे तक घर पर होंगे या मिलेंगे? आप कितने बजे तक घर पर होंगे या मिलेंगे? Up to what time will you be at home?
एक्सप्रेशन नंबर फाइव, व्हाट टाइम कैन आई सी यू, मैं आपसे कितने बजे मिल सकता हूं, मैं आपसे कितने बजे मिल सकता हूं, व्हाट टाइम कैन आई सी यू, लास्ट एक्सप्रेशन। Do you happen to be free this evening? Do you happen to be free this evening? क्या आज शाम आपको फुर्सत है? क्या आज शाम आपको फुर्सत है? यानी कि अलग अलग ये एक्सप्रेशन है जिनसे हम मुलाकात का समय मांगने के संबंध में इसका इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या देते हैं? ये तो हमारा हुआ तरीका कि हम सामने वाले से समय मांगते हैं, करेक्ट। और भी कई एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं, ओके, राइट। व्हेन विल यू बी फ्री, व्हेन विल यू बी फ्री, या व्हेन विल यू गेट फ्री, आप कब खाली होंगे, मैं उसी समय आ जाऊंगा। यानी कि हम सामने वाले से ये पूछ रहे हैं कि आपसे मिलने का अनुकूल समय क्या होगा, इसका आंसर क्या देते हैं? सामने वाला इसका आंसर देगा, कम एट 4 PM, कम एट 4 PM प्लीज, करेक्ट। एक्सप्रेशन नंबर टू, डू ट्राई टू कम एट 3, जरूर कोशिश कीजिए 3 बजे तक आने का, यानी 3 बजे आने का, करेक्ट। डू ट्राई टू कम एट 3। थर्ड एक्सप्रेशन, ट्राई टू कम अर्लियर इफ यू कैन, जल्दी आने की कोशिश कीजिए यदि आप आ सकते हैं। ट्राई टू कम earlier if you can, right? Students, मुलाकात का समय मांगने के लिए इन expressions का day to day life में बहुत ही ज्यादा use होता है। Whenever we go somewhere, कहीं भी हम जाते हैं या हम चाहते हैं कि हम कहीं जाएं और हमें wait न करना पड़े, तो हम phone पर या उसकी office में जाके सामने वाले से मुलाकात का समय पूछ लेते हैं, right? क्लियर है? अगर फोन पे पूछते हैं तो उसके एक्सप्रेशंस थोड़े से, इसमें 2-3 एक्सप्रेशंस और हम लोग जोड़ सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आप कितनी इसकी प्रैक्टिस करते हो और तब ये सेंटेंसेस आपके टंग पे आ जाएंगे, करेक्ट। जैसे अगर मान लीजिए मुझे मिस्टर सुनील से मिलना है, तो मैंने कहा कि व्हेन कैन आई मीट मिस्टर सुनील, राइट। When can I meet Mr. Sunil? मैं मिस्टर सुनील से किस समय मिल सकता हूं, यानी कि उनकी मैं मुलाकात किस समय कर सकता हूं, उसका मैं समय सामने वाले से डिमांड करता हूं, राइट। इसके बाद हम एक और एक्सप्रेशन पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तो प्लीज इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए एंड देन वी स्टार्ट अगेन वन न्यू एक्सप्रेशन, ओके। नोट डाउन कीजिए इसको।
यस स्टूडेंट्स, अब हम अगला एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, राइट? हमारा अगला एक्सप्रेशन है, जब हमारी कोई मदद करता है तो हम उसे थैंक यू किस तरीके से बोलते हैं, यानी कि अपना आभार कैसे प्रकट करते हैं, अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं, ओके? आभार प्रकट करते समय प्रयोग किए जाने वाले भाव, आभार प्रकट करते समय How to express thank you? How to express thank you? किसी ने हमारी मदद की, right? और मैंने उससे बदले में क्या बोला? किसी ने मेरी मदद की और मैंने उसे कौन सा एक्सप्रेशन दिया? थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, इंडीड, सचमुच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सचमुच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आई एम वेरी मच ओब्लाइज टू यू, मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं, मैं आपका अत्यधिक आभारी हूं, मैं आपका अत्यधिक आभारी हूं, करेक्ट? नेक्स्ट एक्सप्रेशन, How can I express my thanks to you? मैं आपको किस तरह से धन्यवाद दूं? I have no words. मेरे पास शब्द नहीं है.
आई हैव नो वर्ड्स कि मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं। हाउ कैन आई से थैंक यू, राइट? मैं आपको कैसे धन्यवाद दे सकता हूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। यानी कि किसी सामने वाले ने आपकी मदद की और मुझे उसे थैंक यू बोलना है, और वो थैंक यू बाय हार्ट होना चाहिए, नॉट फॉर्मैलिटी, हाँ, राइट? बाय हार्ट, दिल से। दिल से हम तभी बोल सकते हैं जब सामने वाले ने मेरी जो मदद की है हम उसको माने, एक्सेप्ट करें, तो हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं वो अपने आप नेचुरल बनते हैं और हम स्पीकिंग करते समय अपने आप को अच्छा फील करते हैं और हम अपने आप नेचुरल स्पीकर हो जाते हैं, राइट? आई डोंट नो हाउ, राइट? आई डोंट नो हाउ कैन आई थैंक यू इनफ, राइट? एक और एक्सप्रेशन देखते हैं। I don't know how I can thank you enough. मैं नहीं जानता कि मैं आपका इतना धन्यवाद कैसे करूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपका आभार कैसे प्रकट करूं, यानी कि मैं कैसे अपना आभार प्रकट करूं, राइट? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आई डोंट नो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। स्टूडेंट्स, सच एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं थैंक यू बोलने के लिए, राइट? जब हम कहीं पर स्पीच देते हैं और सामने वाला हमारा रेस्पेक्ट करता है तो हम बोलते हैं सामने वालों को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर दिस ग्रेट ऑनर। यानी कि हम उनका आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमें ऑनर दिया, राइट? यदि हमारा किसी ने सम्मान किया हो तो हम उसको एक एक्सप्रेशन के साथ दो बार थैंक यू बोल के उसके ऑनर को धन्यवाद देते हैं, थैंक यू फॉर दिस ग्रेट ऑनर या फॉर दिस ऑनर विच यू हैव गिवन टू मी, जो आप सब लोगों ने मुझे दिया है। यानी कि जब हम थैंक यू बोलते हैं सामने वाले को तो उसके बदले में वो भी बोलता है, वो भी जवाब देता है, राइट? अगर हम अपने दोस्त को थैंक यू बोल रहे हैं या अपने से सीनियर को थैंक यू बोल रहे हैं या अपने दोस्त को थैंक यू बोल रहे हैं तो बदले में वो यू आर वेलकम वर्ड का यूज कर सकते हैं, राइट? पहले क्या होता था, जब हम किसी को कोई काम करता था और हम थैंक यू बोलते थे तो बदले में मेंशन नॉट या नो मेंशन वर्ड का यूज किया जाता था, बट अब हम लोग यू आर वेलकम वर्ड यूज करते हैं, आपका स्वागत है, यू आर वेलकम मींस आपने जो वर्ड्स दिए सामने वाले को, सामने वाले ने उसको भी रेस्पेक्ट देते हुए उसको एक्सेप्ट किया, मींस यू आर वेलकम, करेक्ट? क्लियर है स्टूडेंट्स? इसको खूब ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और जब भी आपकी कोई मदद करे, व्हेन एनीवन helps you anytime anywhere, इन वर्ड्स को आप यूज करके सामने वाले के सामने अपनी पोलाइटनेस को शो कर सकते हो। When you express this expressions or use this expression in day to day life, तो सामने वाला कहेगा कि देखो
कितना अच्छा आदमी है, हाउ मच ही इज रॉयल और पोलाइट मैन, राइट। ये एक्सप्रेशन यूज करने से हम अपनी पर्सनालिटी को शो करते हैं कि हम कैसा सोचते हैं या हम कितना सामने वाले को मानते हैं और रेस्पेक्ट करते हैं। एक्सप्रेशंस आर वेरी इजी, ये बहुत ही सिंपल एक्सप्रेशंस हैं विच वी यूज इन डे टू डे लाइफ अलॉट। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना बहुत है। आज मैंने आपको दो एक्सप्रेशन सिखाए। नंबर वन एक्सप्रेशन, किसी से मुलाकात का समय कैसे मांगा जाता है, हाउ टू आस्क फॉर टाइम, राइट। दूसरा, हाउ टू एक्सप्रेस थैंक यू। ओके, इसको प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम अगली बार मिलेंगे। अगेन वी विल मीट नेक्स्ट टाइम एंड विद अ न्यू एक्सप्रेशंस एंड विद अ न्यू आइडियाज। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।